श्री संत ने क्रिकेट को कहा है अलविदा, आईपीएल में नहीं मिला था कोई खरीदार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज श्री संत ने बुधवार को यानी कि आज 9 मार्च की शाम क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। श्री संत ने हाल ही में घरेलू टूर्नामेंट में रणजी ट्रॉफी में खेलते नजर आए थे। हालांकि आईपीएल में उन्हें पिछले साल की तरह इस साल भी कोई भी खरीदार नहीं मिला था। श्री संत ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से रिटायरमेंट लेने की जानकारी फैंस के साथ शेयर की। इस गेंदबाज ने लिखा कि अगली पीढ़ी के लिए क्रिकेटरों के लिए मैंने अपना फर्स्ट क्लास कैरियर खत्म करने का फैसला किया है। वह निर्णय मेरे अकेले का है और मैं हालांकि जानता हूं कि मुझसे खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यह फैसला मेरे जीवन के लिए इस वक्त लेने के लिए सही और सम्मानजनक है। मैंने हर पल को संजोया है। गौरतलब है कि श्री संत ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए हैं और अपने कैरियर के दौरान उनका साथ देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद भी अदा किया है। श्री संत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैंने अपने परिवार साथियों और देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मेरे लिए सम्मान की बात है। बहुत दुख के साथ लेकिन बिना किसी अफसोस के मैं यह भारी मन से कहता हूं कि मैं भारतीय घरेलू क्रिकेट और सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहा हूं। 39 साल के श्री संत ने साल 2007 और साल 2011 के दौरान वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे, लेकिन साल 2013 में आईपीएल के दौरान जब वह मैच फिक्सिंग के दोषी पाए गए तब से ही उनका क्रिकेट में वापसी बेहद ही मुश्किल हो गई थी। हाल ही में खिलाड़ी ने केरल के लिए रणजी खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन अब उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया था। बता दें कि इस तेज गेंदबाज ने पिछले साल की तरह इस साल भी नीलामी आईपीएल में अपना नाम भेजा था, लेकिन श्री संत के नाम पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। श्री संत ने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान भारतीय टीम के लिए 27 टेस्ट मैच, 53 वनडे और 10 T20 मुकाबले खेले हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी बस इतना ही। श्री संत के बारे में आप अपनी व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा क्रिकेट जगत की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।